सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। एक बहुत ही जरूरी विषय है जिसको हम सब इग्नोर करते हैं, सब छोड़ देते हैं कि ये तो अपने आप स्वभाव का हो रहा है, और देश के देश, समाज के समाज इस विषय पर बहुत गंभीर नहीं होते। आज एक ऐसा विषय हम चर्चा में रख रहे हैं और इस एक विषय से जुड़ा है किसी देश का भविष्य, किसी समाज का भविष्य। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे कम चर्चा में रहता है, जबकि सर्वाधिक चर्चा इसी विषय की पहुंच है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं, भारत में चर्चा करो तो सोशल मीडिया में लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों में जो पोस्ट कर रहे होते हैं, जो पब्लिश कर रहे होते हैं, उनमें अधिकतर धर्म, अपने मजहब, अपनी आस्थाओं, अपने रीति रिवाजों से संबंध रखते हुए चीजें हैं। और भारत के साथ साथ अगर आप देखें तो जितने इस्लामिक देश, उनमें भी कमोबेश यही स्थिति है। इस्लामिक देशों में भी जो उनके संप्रदाय हैं, मजहब हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, उन्हीं का आदान प्रदान अधिक करते हैं, उन्हीं पर चर्चा अधिक करते हैं। अब इसे होता क्या है और हुआ क्या है अभी तक क्या? मनुष्य का जो मस्तिष्क है तो वही, चाहे जिस मजहब को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं, धर्म जिसको कह देते हैं, धर्म को मानते हैं, फिर भी मनुष्य का मस्तिष्क तो एक ही रहता है, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, किसी का। मस्तिष्क परमात्मा ने अलग अलग नहीं बनाया है कि ये ईसाई का मस्तिष्क अलग होगा, हिंदू का अलग होगा, मुसलमान का अलग होगा। तभी मैं कहा करता हूं कि ये जितने भी धर्म के आधार पर हम विभेद करते हैं, ये विभेद मजहबों के आधार पर है, पंथों के आधार, संप्रदाय के आधार पर है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाई ये चीज पूरे विश्व में सब एक तरह की होती है। एक ही परमात्मा होगा तो एक ही तरह के सब मनुष्य होंगे, कुछ गुणों में अंतर पृथक पृथक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू के लिए अलग व्यवस्थाएं परमात्मा करे, मुसलमान के लिए अलग करे, ईसाई के लिए अलग करे। तो जब धर्म का क्षेत्र, जिसको बार बार मैं धर्म से नाम लेने से मना करता हूं, क्योंकि धर्म तो धरते ही धर्म, धर्म सबके लिए सब है। सूरज का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है। इसलिए ये धर्म को भी अगर आप कहते हैं, आदत पड़ गई है सबकी कि हाँ हमारा धर्म हिंदू, हमारा मुसलमान, हमारा ईसाई, कुछ भी कहते, मगर अगर ये स्थिति है तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें एक हिस्सा होता है जिसमें आस्था बहुत अधिक होती है। ये मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूं, बायोलॉजिकल बात कर रहा हूं। आस्था होती है, एक अंश में तर्क होते हैं, लॉजिक होते हैं, रीजनिंग होती है, जैसे गणित का जन्म होता है, जैसे साइंस का जन्म होता है, विज्ञान का जन्म होता है। अब कह सकते हैं कि जो आस्था वाला हिस्सा है और दूसरा जो तर्क वाला हिस्सा है, लॉजिक वाला हिस्सा है, ये एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, विरोधी प्रतीत होते हैं, क्योंकि आदमी की सोच, मनुष्य की सोच आस्था के अनुसार बदल जाती है, और तर्क और विज्ञान जो उसका हिस्सा है, मस्तिष्क उसके अनुसार बदल जाती है। अब दुनिया में हुआ क्या? मैं पश्चिमी देशों के उदाहरण के साथ बात आगे करूं, वहां
जो भारत में और मुस्लिम जगत आज जहां इस्लाम बाद में अवतरित हुआ, उस सारे जगत में इतना कट्टरता का वातावरण नहीं था। भारत में भी पुराने समय देखिए, जो बुद्ध का काल है, महावीर स्वामी का काल है, या सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है, या वैदिक और उपनिषद के समय का काल, वहां धार्मिक कट्टरता के साथ अगर कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता थे, तो प्रकृति के अनुसार लोगों को रहने का वातावरण मिलता था और प्रकृति ही धर्म अधिक माना जाता था, क्योंकि धर्म जो है वो प्रकृति का है। लेकिन पश्चिम में स्थिति ऐसी नहीं, वो यूरोप, वो अमेरिका जो आज विज्ञान में सर्वाधिक बढ़े हुए हैं, क्यों ऐसा? पश्चिम में चर्च और उसके जो पोप होते थे वो पूर्णतया प्रभावी थे समाज में, यहां तक कि उन्हीं का राज चलता था, जो किंगशिप थी, जो राजा होते थे वो सब चर्च के अधीन होते थे और अंतिम निर्णय वो चर्च करते थे। यहां तक आपने सुना होगा कि अनेक वैज्ञानिकों को सजा दी इन्हीं चर्चों, जिसने कहा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में उन लोगों ने लिख रखा था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मगर जब वैज्ञानिक ने सही बात बताई, इसी तरह और अन्य वैज्ञानिकों की स्थिति वहां हुई जिन्होंने सही बात बताई, तो शुरुआती दौर में उनको सजा दी चर्च, पहले रही सदियों बाद चर्च ने माफी मांगी इसके लिए। लेकिन स्थिति में बता रहा हूं कि पश्चिम में ये जो कथित धर्म या जो वहां पर ईसाई मत था मुख्य रूप से, वो इतना प्रभावी था कि जो वैज्ञानिक प्रगति थी वहां बिल्कुल नहीं हो रही, मगर वहां के उन मनुष्यों को श्रेय जाता है जो वैज्ञानिक थे या जो तर्क का बहुत प्रयोग करते, दर्शन शास्त्र में भी, भारत में भी, पश्चिम में भी, फिलॉसफी में तर्क का बड़ा महत्व होता है, तर्क शास्त्र है, लॉजिक है। अब तर्क से ही विश्व का जो ज्ञान का विकास है वो तर्क एक आधार होता है, कार्य कारण सिद्धांत बहुत आवश्यक है। तो एक और पश्चिम में घटना घटी, स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा यूरोपियन मारे गए। उसके बाद तो जैसे क्रांति आ गई, पहले भी पश्चिमी जगत में क्रांति चल रही थी जो उनका कथित धर्म था उसके खिलाफ, और फिर स्पेनिश फ्लू में जब पूरे के पूरे देश तबाह हो गए, समाज में ज्यादा से ज्यादा मौतें हो गई, तो वहां एक बड़ी क्रांति, और क्रांति चर्च के खिलाफ हुई कि इतनी भयानक आपदा में, त्रासदी में, चर्च जो ईश्वर का प्रतिनिधि था, उस गार्ड का प्रतिनिधि था, वो कुछ सुरक्षा नहीं कर सकता, लोगों को बचा नहीं सकता, तब वहां का समाज जागृत हो गया। और पहले भी वैज्ञानिक विकास वहां तेजी से बढ़ने लगे थे, मगर इस सदी में 1918 के बाद का जो सदी, इस सदी में सर्वाधिक वहां विकास हुआ, जिसको वैज्ञानिक विकास कह सकते हैं, आर्थिक विकास कह सकते हैं, और भांति भांति का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा भारत में और इस्लामिक देशों में ये आशा जगी थी कि यहां जो धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है, जिसको हम मजहब और संप्रदाय कह सकते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति आस्था के नाम पर हमेशा आस्था की बात करता है, लगातार किसी न किसी जो उसकी आस्था, इस्लाम वाला है तो इस्लाम की अपनी आस्थाएं हैं, हिंदू है तो वो हिंदू की अपनी तरह तरह की आस्थाएं हैं, और सिख बौद्ध सबकी अपनी अपनी आस्था। अब आप समय अगर इन्हीं में ज्यादा दोगे और तर्क, चूंकि आस्थाएं तर्क को बर्दाश्त नहीं करता,
तर्क को सहन नहीं कर, लेकिन बिना तर्क और बिना रीजनिंग के विकास कैसे हो, साइंस कैसे बढ़े, मैथ कैसे बढ़े। तो यहां उम्मीद जगी थी कि स्पेनिश फ्लू जैसा कि पश्चिम को परिवर्तित कर देता है, तो शायद कोरोना के बाद जब देखा, पूरी दुनिया ने देखा और भारत वालों ने भी देखा, इस्लामिक देशों ने भी देखा कि कोरोना के समय जितने पूजा स्थल थे, चाहे जिस धर्म और मजहब के मानने वालों के पूजा स्थल थे, सब लगभग बंद कर दिए गए। वहां कोई गतिविधि नहीं हो सकती, ये निश्चित किया गया ताकि कोरोना का प्रसार ना हो, फैलाव ना हो। इस स्थिति में आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा कि जो धर्म के केंद्र थे वो एक प्रभावी नहीं बचे। जनता ने भी देख लिया कि धर्म से कोई विकास नहीं होगा, उसकी जो वैक्सीन बनेगी वो विज्ञान से बनेगी, उसकी जो दवाएं बनेंगी वो विज्ञान से बनेगी, और जो संप्रदायों से मजहबों से कोई भी काम नहीं हो बनेगा। तो यहां उम्मीद थी कि शायद अब इन देशों में, जहां पर अभी भी धर्म की हर चीज रात दिन 24 घंटे लगातार आस्थाओं में व्यक्ति घूमता रहता है, तो शायद कमी है। लेकिन दुखद है कि जैसा कि भारत में और इस्लामिक देशों में बहुत कई सदी से, सदियों से, ये जो धार्मिक कर्मकांड है, मजे की रीति रिवाज है, इन्हीं में व्यक्ति ज्यादा समय दे पाता है और अभी भी दे पाता है। आपकी जो भी आस्था है आप उसका पालन करते हुए, लेकिन आप केवल मन में ध्यान लगा करके बैठ भी जाए तो वो भी आस्था का आपका पूरा हो जाता है। जरूरी नहीं कि तरह तरह के जीवन भर कर्मकांड ही करते हैं। इसमें तो खतरा ये रहता है कि तमाम पाखंडी बाबाओं के साथ आप फंस जाते हैं, तमाम जो भी अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं धर्म के नाम पर, उनके चक्कर में समाज फंस जाता है। तो दोहरा नुकसान होता है, उधर व्यक्ति की प्रतिभा गलत जगहों पर चली गई, या अगर आस्था में गई सही जगह पर भी लगी है तो उसका समय तो नष्ट हुआ, उस समय वो कर्म मार्ग ही होता है, वो भी धर्म का मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसके माध्यम से वो विकास कर सकता है और वैज्ञानिक विकास कर सकता है, आर्थिक विकास कर सकता है, तरह तरह के विकास कर सकता है। फिर से सोचना पड़ेगा भारतीयों को और इस्लामिक देशों को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने मजहब को, अपने संप्रदाय को किस हद तक अपने में शामिल करें, कितनी देर तक शामिल करें। 24 घंटे का आपका कार्य समय होता है, उसमें भी देखें कि वो तमाम परिवार धार्मिक कर्म कांडों में ऐसे मिलेंगे जो लगातार लगे, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किसी पूजा स्थल में जाता है, कभी कहीं ढूंढने शांति की तलाश में जाता है, आराध्य देव के पास जाता है। तो उसका समय और पैसा, धन दोनों लगता है उसमें, और एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, पूरा देश का, देश समाज का समाज। आप कल्पना करिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसी में लगे रहे तो बाकी जो विकास है, बाकी जो विज्ञान है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? जो उद्योग धंधे हैं, जो खेती किसानी है, जिसमें भी कर्म है या जिसमें भी ज्ञान है, उसके लिए तो समय, और कहीं अगर अंधविश्वासियों के चक्कर में आप पड़ गए तो कह देंगे कि आपके घर की बीमारी दूर हो जाएगी ऐसे ऐसे कर, आपके बेरोजगारी दूर हो जाएगी ऐसे ऐसे कर, आपके पास धन आ जाएगा ऐसे ऐसे कर। ये जो उपाय वो धर्म के नाम पर देते हैं और जो चमत्कार धर्म के नाम पर करते हैं वो मिथ्या है। धर्म के नाम पर कोई चमत्कार नहीं,
ये केवल मैजिकल चीजें हैं, जादूगर भी कर देता है, या साइंस में ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। तमाम आप देखते हैं कि हवन मंत्र के आधार पर जला दिया, बिना आग उसमें प्रज्वलित किया अपने आप आग लग गई। क्यों? क्योंकि उसमें साइंस है। पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लिसरीन, दोनों मिलाकर के आपने घड़ी में डाल दीजिए, अपने आप बिना आग जलाए उसमें आग लग जाएगी। इसी तरह के सारे जितने भी इस तरह के चमत्कार दिखाए जाते हैं किसी न किसी साइंस से आगे। अब समाज को समझना ये होगा, समाज को सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि हम विकास के रास्ते चले, विज्ञान के रास्ते चले, या इन आस्थाओं के रास्ते चले। आस्था बुरी नहीं, आस्था ठीक है, जो आपकी आस्था, लेकिन उसी में ज्यादा से ज्यादा समय देते रहे। आप उन परिवारों को, अपने पड़ोस के आसपास के परिवार को देखिए, जो परिवार लगातार किसी न किसी कर्मकांड में लगे रहते हैं, आप उन परिवारों को सर्वे करें, ज्यादातर आपको गरीब मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उनको श्रम करना चाहिए, उनको शिक्षा लेनी चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तब वो इन्हीं चमत्कारों के भरोसे रहेंगे। तमाम ऐसे मिलते हैं कि बहुत बीमार हो गए, तमाम बाबाओं के पास गए, तमाम पैसा खर्च कराया, आखिर जब मरने की स्थिति आ जाती है तब अस्पताल में पहुंचते। तो आपको सोचने की जरूरत है। और खास रूप से जो मैं बार बार कहता हूं कि भारत को संभलना बहुत जरूरी है, यहां के समाज को बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि नहीं, विज्ञान को छोड़ करके हमने बहुत नुकसान किया, तर्क को छोड़ करके, लॉजिक रीजनिंग को छोड़ करके नुकसान किया। आप को उदाहरण देते हैं, पीपल का पेड़ शुरू से पूज रहा है, पीपल का पेड़ अगर हमने विज्ञान की दृष्टि से परीक्षण किया तो यह पाया गया कि उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन निकलता है, तो हमारे लिए उपयोगी होगी। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीपल के पेड़ की पूजा करो। पूजा का मतलब उसका सम्मान करो, उसका उसकी देखभाल करो, लेकिन ये नहीं कि जो पूजा की रीति रिवाज हमने बना रखे उसको चालू कर दो, या जो भी ऐसे चीजें, गाय उपयोगी, बकरी उपयोगी, भैंस उपयोगी, सारे पशु उपयोगी, सबके अलग अलग उपयोग हो सकते, लेकिन नहीं कि उनकी पूजा करने लग जाओ। पूजा का मतलब वहां भी यही है कि उसकी सुरक्षा करो, उसकी देखभाल करो, ताकि वो उपयोगी बना रहे, वो स्वस्थ बना रहे। बहुत चिंता का विषय है। और बौद्धिक आश्रम से मैं विज्ञान में धर्म की हमेशा चर्चा करता हूं, फिर अनुरोध करता हूं कि विज्ञान सम्मत जो भी धार्मिक क्रिया कर्म है, कर्मकांड है, उतना ही मान लीजिए, उतना ही जो विज्ञान के अनुसार, तर्क के अनुसार नहीं ठहरते, तो आप प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए और देखिए कि कौन आस्था आपकी मान्य होगी। मनुष्य श्रेष्ठ है क्या? वेद कहते हैं आम ब्रह्मास्म सो अहम तत्त्वमसि, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन, मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ कौन? ये अगर परमात्मा ने जो सबको बनाया, सारे जीव भाई को बनाया, उसमें मनुष्य की होनी श्रेष्ठ होनी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित, और मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित होने का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि आपके मस्तिष्क ने विज्ञान को खोज लिया, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर आज आप चंद्रयान 3 भेज चुके हैं, और बहुत जल्दी उसकी सफलता की सूचना हमारे पास लगातार आ रही है। तो इस स्थिति में जब मनुष्य योनि में आप है, तब फिर आप पशु योनि में क्यों चले जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? आप उन्नत मस्तिष्क के प्राणी हैं, फिर अपने उन जो पीछे ले जाने वाले तत्व तो हैं, पीछे को खींचने वाले तत्व तो हैं, उनसे दूरी बनाइए। और मेरा अनुरोध है कि परिवार में चिंतन करिए, अपने परिवार में, खास रूप से जो हमारी महिलाएं होती हैं, नारियां होती हैं,
उनके बीच में आस्था के नाम पर बहुत ही जल्दी अंधविश्वास आ जाता है, पाखंड आ जाता है। वहां आपको काम करने की जरूरत है, और एक एक परिवार अपने में काम कर ले, तब फिर समाज बनता है, फिर समाज में उसी तरह की जागरण अभियान चलेगा। और अगर सामाजिक जागरण अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से भारत देश भी और जो भी इस्लामिक देश है वो वैज्ञानिक उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। और पश्चिम अगर विकसित हो सकता है तो मस्तिष्क के आधार पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पश्चिम का मस्तिष्क ज्यादा अच्छा है और पूर्व वालों का, भारतीयों का या और जो पूर्वी देश है उनका मस्तिष्क कम अच्छा है। ये पहले भी दार्शनिक क्षेत्रों में भारत ने बहुत विकास किया था, जब भारत ने बुद्ध पैदा किया था, बुद्ध दिया था दुनिया को, उस समय दुनिया के पास और लोग उस स्तर के दार्शनिक नहीं थे। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए और हमें विश्वास भी करना चाहिए कि अगर हम विज्ञान के रास्ते, तर्क के रास्ते, फिलॉसफी के रास्ते, विकास के रास्ते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया को बताएंगे कि हम भी उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने आप हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ओम अहम ब्रह्मास्मि।